BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। हाथरस की पहचान घंटाघर, जो कि पिछले कई वर्षों से जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा था, जिस पर लगी हुई घड़ी कई वर्षों से खराब पड़ी हुई थी, जिसके जीर्णोद्धार के लिए नगर पालिका चेयरमैन आशीष शर्मा ने अपने चुनावी प्रचार में वादा किया था कि जल्द ही घंटाघर का उद्धार करा जाएगा। वहीं शुक्रवार को नगर पालिका चेयरमैन आशीष शर्मा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर घंटाघर के जीर्णोद्धार के लिए कार्य शुरू कराया। और अगले एक महीने में जो भी दूसरे विधायक करते और उसका बड़ा प्रोग्राम हमने पार्टी के रूप से मिला हुआ है, हम जनवरी 25 में सेकेंडरी में कोई बड़ा आयोजन करेंगे, लेकिन हम लोगों ने भारतीय संस्कृति के अनुसार जो कि आज अंतिम दिन है, भारतीय जनता पार्टी की नगर के सरकार और नगर के बोर्ड में अपना वादा निभाते हुए और कल से पूछ का महाप्रारंभ हो रहा है। आज अपने माननीय सभी सभासदगण, अपने माननीय जिलाध्यक्ष और नगर के सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा इसका विधिवत रूप से सांकेतिक पूजन करके आने वाले महामहिम प्रारंभ हो जाएगा, उसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और ये विश्वास दिलाता हूँ कि नगर का बोर्ड आपकी और पार्टी की भावनाओं के अनुरूप, संस्कारों के अनुरूप नगर के हर विकास कार्य को उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार पार्टी विचार किया है, पार्टी ने मंथन करके नगर के बोर्ड को चुना है। मैं इस मौके पर नगर के नागरिकों से अनुरोध करूँगा, जिस प्रकार आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इसमें भी बचपन समय थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई थी, मार्ग को लेकर आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नगर पालिका ने जो प्रण लिया है, चाहे तालाब हो या घंटाघर हो, दोनों ही ऐतिहासिक रूप से बनाकर नगर को समर्पित करेंगे, इस बात पर मैं विश्वास दिलाता हूँ। और ओवर में तो आपने देख लिया भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी देन है, 50 वर्षों से जो मांग चली आ रही थी उसको कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य शुरू करा दिया, जल्दी पूर्ण होगा। मैं आज के इस मौके पर अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष, अपने पार्टी के सभी सभासद, अपने बोर्ड के सभी सभासदों को और नगर के सभी जान सामान से आए बुद्धिजीवी, शुभ चिंतक और विकास जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।